छोले बनाने के लिए हम लेंगे ये बड़े वाले चना, काबली चना। फिर पहले कुकर में बॉईल कर लेंगे, तेज पत्ता, ये गरम मसाला का टुकड़ा है, थोड़ा सा एक चुटकी नमक, और अगर आप इसे काला चना बनाना चाहते हैं तो आप इसमें चाय पत्ती का पोटली बना के भी डाल सकते हैं। फिर मैं इसे थोड़ा सा डालूंगी बेकिंग पाउडर, ताकि ये आसानी से पक जाए। छोले उबल रहा है, मैं 4-5 प्याज को बारीक इसमें काट लूंगी चॉपर से। जब तक चना उबल रहा है हम इधर आगे का काम कर लेते हैं। एक कढ़ाई डालेंगे, उसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। फिर उसमें डालूंगी मैं जीरा, लाल मिर्च, और जो मैंने यहाँ प्याज काट के रखा है एकदम बारीक सी, वो डाल देंगे। प्याज की मात्रा हम थोड़ा ज्यादा देंगे, 4-5 प्याज लग जाएंगे इस छोले में। थोड़ी देर हम इसे पका लेते हैं। प्याज थोड़ी देर पकाने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। सॉरी, मैं अदरक बोलना चाह रही थी। अदरक और लहसुन का पेस्ट हम डालेंगे, ये थोड़ी देर पक जाए, उसके बाद हम डालेंगे इसमें ये जो मैंने टमाटर का पेस्ट तैयार किया है, उसको भी मैं इसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा बस प्याज हल्का सा ब्राउन हो जाइए, उसके बाद थोड़ा सा प्याज गोल्डन हो गया है, इसमें पेस्ट डाल देते हैं टमाटर का। अब इसमें पड़ेगा नमक, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और आप जितना तीखा बर्दाश्त कर सके उस हिसाब से आप मिर्च पाउडर भी दे। मैंने 1 चम्मच डाला है। अब इसे हम मिला देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा जीरा और गोल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखा नहीं होता है, बस कलर के लिए मैं इसमें डाल दूंगी। फिर हम इसे कम से कम 5-7 मिनट पकाएंगे। इस सारे मसाला को हम 5-7 मिनट तक पकाएंगे। मसाला जब सूखने लगे तो बीच में आप हल्का पानी मिला के इसे पकाएं, लेकिन इस मसाले को पकाना बहुत ज़रूरी है, इसी से इस छोले का स्वाद आएगा। तो कम से कम 7 मिनट तो आप ज़रूर इसे पकाएं मीडियम फ्लेम पे करके, तब ये अच्छे तरीके से पकेगी और छोले बहुत स्वादिष्ट बनेंगे। ये देखिए मसाला अच्छे से पक चुका है, लगभग 7-8 मिनट लगा मसाला को पकाने में। जब तक मसाले से ऑयल अच्छी तरीके से निकलने ना लगे, समझिए कि मसाला नहीं पका है। तो अच्छे से ऑयल निकलना ज़रूरी होता है मसाला को पकाने के लिए। अब मैं इसमें जो मैंने चने बॉईल करके रखा है इसमें डाल दूंगी। दोस्तों, मैं 5-6 तरीके से छोले बनाती हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक एक करके सारा तरीका बताऊंगी, सारी रेसिपी मैं डालूंगी। उसके लिए आप लोग को मुझे सपोर्ट करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। प्लीज़ सब्सक्राइबर बढ़ाएं। देखिए, अगर आप चाहें तो और ग्रेवी इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक देते हैं।
5 मिनट तक हम इसे ढककर पकाएंगे। ये देखिए लगभग 5 मिनट बाद छोले अच्छे से पक चुके हैं। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, और इसे और थिक करने के लिए अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा एक बर्तन से थोड़ा सा छोले को हम ऐसे ऐसे पीस देंगे, हल्का हल्का प्रेस कर देंगे, सारे छोले को नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वो छोला नहीं दाल हो जाएगा इसीलिए थोड़े से छोले को हम लोग ऐसे करके प्रेस करके ठीक बना लेंगे। अब मैं छोले में लास्ट में छौंका लगाऊंगी, उसके लिए मैं ऐसे लंबा लंबा अदरक को मैं काट लेती हूँ इस तरीके का शेप में। मिर्ची को भी हम ऐसे करके काट लेते हैं, काफी लंबा मिर्च है तो हम इसको बीच से भी कट कर देते हैं। कलछुल में थोड़ा सा घी डालूंगी, और जलाना नहीं है घी को, बस उसमें हम सारा कटा हुआ अदरक और मिर्च डाल देंगे। और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च हम मिला देंगे, इसे बंद कर देंगे। अब इस छोले के ऊपर हम इसे डाल देंगे। ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा छौंका लगाने से। ये देखिए कितना मज़ेदार सा छोला बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए दोस्तों कैसी लगी आपको मेरे छोले की रेसिपी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए आपको मेरी बताई हुई रेसिपी कैसी लगती है। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइए प्लीज़ गाइस, थैंक यू। अब ये देखिए गर्मा गर्म कुलचा हम छोले के साथ सर्व कर लेंगे। तो ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू गाइज़।